भाई साहब हटाओ माइक हटाओ जी ये थोड़ा दूर आज जनसंपर्क कर रहे हो कैसा माहौल है देखिए भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है जो केडर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा होता है जो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है बाकी कहीं नहीं है आप देखिए दूसरे जो उम्मीदवार आए हैं तो कहाँ से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी है जिसमें चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है भारतीय जनता पार्टी है जो पोस्टर चिपकाने वाला हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है भारतीय जनता पार्टी जो एक ऐसी पार्टी है जो पहले भारत माता की जय बोलती है फिर पार्टी की जय बोलती है मुझे तो खुशी है और आज अजमेर दक्षिण से जो जनसंपर्क हो रहा है हमारी बहन अनिता जी भदेल और बाकी जितने भी हमारे यहाँ लाला बना हमारे पूर्व विधायक जामनानी जी हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे पार्टी के पदाधिकारी हमारे पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि पार्षदगण सब और आम जनता बूथ स्तर का कार्यकर्ता ये चाहता है नरेंद्र भाई मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने इस देश को सुरक्षित रखना है इस देश को अखंड रखना है इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है तो नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 से 25 सीटें जीतेगी और पूरे देश भर में 380 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी और नरेंद्र भाई मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे ये अखंड भारत बनेगा ये भारत सिरमौर बनेगा इस दुनिया का बहुत बहुत धन्यवाद के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा जो भव्य स्वागत किया गया है मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ अभिनंदन करती हूँ यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ क्षेत्र भी है यहाँ का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को डलता है यह हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत है और मैं भागीरथ जी के विश्वास पर सभी कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि भागीरथ जी जब संसद में जीत करके जाएंगे तो हम एक और एक 11 बन करके इस क्षेत्र के विकास में और चार चांद लगाने वाले हैं एक एक कार्यकर्ता 29 तारीख को मोदी जी को वोट करे
और इस देश के लिए वोट करें, और मोदी है तो मुमकिन है। इस बात का उन्होंने 5 साल में भरोसा दिलाया है। यदि हमारा देश बचेगा तो हम भी बचेंगे, इसलिए देश को बचाने के लिए वोट करना है। और मैं निवेदन करूंगी भागीरथ जी भाई साहब को कि वो भागीरथ जी भाई साहब भी अपनी दो बात कहेंगे जो जनता के 29 तारीख के वोट की अपील के साथ स्वीकार करेंगे।